परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहम वंदे गुरु वंदे सचम सभी को जय जिनेन्द्र सुप्रभात गुड मॉर्निंग। वार्म अप एक्सरसाइज बैठे बैठे है हम योग वार्म अप करेंगे। वार्म अप के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए सीधे बैठिए। दोनों हाथ कंधों के समानांतर ऊपर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूरा पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आइए, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। इस तरह से कम 10 राउंड आगे पीछे करने से हमारे पेट पर जमी चर्बी भी कम होती है, खिंचाव होगा तो मांसपेशियों में। नेक्स्ट, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए नौका चालन, फूस के साथ श्वास छोड़ते हुए आगे आना है, इससे हमारे कंधे मजबूत होंगे, फेफड़े मजबूत होंगे। अब मुट्ठियों को उल्टा घुमाना है, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, फेफड़ों हमारे इससे मजबूत होंगे, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। इस क्रिया के साथ हम एक क्रिया और जोड़ सकते हैं, सांस बिलोना। सांस बिलोना में इस तरह से हाथों को आगे पीछे करते हुए नेक्स्ट दोनों पैरों को फैला लीजिए। पूरा फैलाइए पैरों को। बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को दो अंगुलियों से इस तरह से पकड़ना है, कोहनी घुटने पर रखना है और दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, अब श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए अंगूठे को छूना है, श्वास भरते हुए ऊपर, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से दूसरे हाथ से करना है, बाया हाथ ऊपर, एक दो, एक दो, एक
दो रिलैक्स। अब बाएं हाथ को पीछे लेकर जाइए, कमर के पीछे, पूरा पीछे, दाहिना हाथ कान से सटा हुआ रहेगा। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। हाथ बदल लीजिए, दाहिना हाथ पीछे, बाया हाथ ऊपर। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। पैरों को फैलाए रखिए, इस तरह से अंगुलियों को फंसाते हुए चक्की चाल। फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। पेट और कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। रिलैक्स। तो अभी हमने कुछ एक्सरसाइज हमारे पेट के लिए, कमर के लिए वार्म अप एक्सरसाइज हमने अभी की, कंधे के लिए, फेफड़ों के लिए। अब हम कुछ पैरों के एक्सरसाइज करेंगे। पैरों के लिए जिनका पद्मासन नहीं लग रहा हो, पद्मासन भी आसानी से लगेगा। पैरों में जमी हुई जो चर्बी है वो कम होगी। तो सबसे पहले है पैरों की एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए, पंजों को आगे की ओर प्रेशर दीजिए, पूरा प्रेशर। पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा, उसे महसूस कीजिए। अब पंजों को अंदर लाते हुए पूरा अंदर ले आइए, एड़िया हल्की सी उठ जाएगी बाहर अंदर, बाहर। पूरे पैर में आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। 5 से 10 राउंड करने के बाद एक पंजा अंदर, एक पंजा बाहर। दोनों पैर मिले हुए, पंजे मिले हुए, पंजों को गोल गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज पूरा राउंड, अब उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच 1.25 से 1.5 फुट का फासला। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को अंदर की ओर लाते हुए नीचे तक ले आइए। अब बाहर ले जाते हुए पूरा बाहर ले जाएंगे। पैरों की छोटी अंगुलियां जो है फर्श को टच करेगी। एक दो, एक दो,
एक दो पूरे पैरों में ट्विस्ट आ रहा होगा, उसे महसूस कीजिए, पैरों में ट्विस्ट। रिलैक्स बाएं पैर को सीधा रखिए, दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिना पैर को इस तरह से मोड़ना है। दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे रखते हुए घुटने को खींच कर सीने से लगा लीजिए। गर्दन गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। श्वास के साथ हर क्रिया को करना है। पैर को ऊपर लाते समय श्वास भरना है, नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। जब आप ऊपर लेके आओगे जंगा में खिंचाव महसूस होगा, पिंडली में खिंचाव महसूस होगा। रिलैक्स। अब पैर को गोल घुमाना है, नीचे से अंदर ऊपर से बाहर ले जाते हुए। अंदर लाते समय पंजा अंदर की ओर अपनी ओर, बाहर जाते समय पंजा बाहर की ओर। एक दो तीन चार पांच। अब विपरीत, नीचे से बाहर ऊपर से अंदर। एक दो तीन चार पांच। अब गोल घुमाना है क्लॉकवाइज। दो तीन चार पांच। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। एक दो तीन चार पांच। रिलैक्स। अब पैर के तलवे को बीच में से पकड़िए, राइट पैर को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, तलवे को पकड़ना है, पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है, कंधे के समानांतर पैर को उठाइए, राइट हैंड से घुटने को बाहर की ओर धकेलना है और पैर को खींचते हुए अंदर लाते हुए पैर का अंगूठा नाक को स्पर्श करने का प्रयास करना है। एक दो तीन चार पांच। अब पैर को ऊपर उठाते हुए पैर को हवा में झुलाइए, हवा में झुलाइए, कम से कम 8 से 10 राउंड। अब पैर के अंगूठे को पकड़ना है और एड़ी को दोनों ओर फर्श पे टिकाना है, इस तरह से। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, पूरा अंदर लेना है, इस तरह बाहर आगे नहीं रखना, पूरा अंदर लेना है एड़ी को, ताकि आपके मांसपेशियों में खिंचाव आए। अब टखने को घुटने के ऊपर रखते हुए दोनों हाथों से घुटने को पकड़िए, खींच के घुटने को ऊपर की ओर लीजिए, नाक को टच कीजिए,
झटके से छोड़िए। दो, तीन, चार, पांच, रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों से घुटने को दबाइए, नीचे पूरा दबाइए। इस तरह से पकड़िए घुटने को, सीने से लगा लीजिए, गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर टिकाइए और लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। रिलैक्स, गर्दन सीधी करते हुए पैर को सीधा कर ले। अभी हमने जो क्रियाएं दाहिने पैर से की, अब सारी की सारी क्रिया हमें बाएं पैर से करना है। पहले बाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के नीचे रखिए, घुटने को खींचकर सीने से लगा लीजिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 8 से 10 राउंड करने के बाद अब गोल घुमाना है, नीचे से अंदर ऊपर से बाहर, एक, दो, तीन, चार, पांच, विपरीत, नीचे से बाहर ऊपर से अंदर, एक, दो, तीन, चार, पांच, क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, पांच, एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, पांच। तलवे को बीच में से पकड़िए दाहिने हाथ से, पैर को ऊपर उठाइए, कंधे के समानांतर लीजिए पैर को, बाएं हाथ से घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए पैर को खींचना है, अंगूठा, पैर का अंगूठा नाक को टच करना, एक, दो, तीन, चार, अब पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए हवा में झुलाइए, हवा में झुलाइए, अब एड़ी को फर्श पे जोर से टिकाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, रिलैक्स। टखने को घुटने के ऊपर रखते हुए घुटने को पकड़कर खींचिए, नाक से टच कीजिए और झटके से छोड़िए, एक, दो, तीन, चार, पांच,
अब दोनों हथेलियों से घुटने को जोर से दबाइए, कोशिश कीजिए आपका घुटना फर्श को छू जाए, दबाइए। पूरे पैरों की मांसपेशियां जो है बिल्कुल लचीली हो जाएगी, रक्त का प्रवाह पूरे पैरों में अच्छे से होने लगेगा। Yes. अब इस तरह से घुटने को पकड़कर सीने से लगा लीजिए, श्वास छोड़ते हुए घुटने को नाक पर टिकाइए, नाक को नीचे लेते हुए, गर्दन नीचे लेते हुए, लॉन्ग ब्रीदिंग। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। अब दूसरे पैर को भी मोड़ते हुए दोनों घुटनों को इधर से पकड़िए, गर्दन सीधी, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाते हुए रुकेंगे यहां पर। श्वास भरते हुए गर्दन सीधे, दोनों पैर सीधे। पैरों की क्रिया हम कर रहे हैं, पूरा ध्यान हमारे पैरों पे होना चाहिए। पैरों में कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ प्रेशर आ रहा है, उसे हम महसूस करते हुए क्रिया को करेंगे। अब दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए घुटनों के नीचे रखिए, मुठिया इस तरह से खड़ी रखिए, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी रहे। श्वास भरते हुए एड़िया ऊपर उठाइए, रुकिए, एड़िया ऊपर जितनी उठा सकते हैं हवा में उठाइए, पिंडली में जंघाओं में खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। आप डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। पूरे पैरों में खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उसे महसूस करना है। नेक्स्ट, दोनों हथेलियों को घुटनों के नीचे इस तरह डालिए, घुटनों को दबाइए नीचे की ओर, ढकनियों को ऊपर की ओर खींचते हुए दबाइए जोर से, पूरा दबाइए, रिलैक्स, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। अंगुलियों के अग्रभाग से घुटनों की ढकनियों को पकड़ते हुए गोल गोल घुमाइए, घुटनों की मालिश। उल्टा घुमाइए, रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से, लॉन्ग ब्रीदिंग। अभी हमने पैरों की जो क्रियाएं की, इन क्रियाओं को नियमित करने से आपके पैर लचीले, पैर की मांसपेशियां बिल्कुल लचीली रहेगी, रक्त का प्रवाह अच्छा रहेगा, और आपका अगर पद्मासन नहीं लग रहा है तो पद्मासन आसानी से लगने लगेगा। इन क्रियाओं को आप नियमित अगर करते हो तो आपका पद्मासन बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, मांसपेशियां लचीली रहेगी, घुटने का दर्द कम होंगे। इस तरह से आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपका पद्मासन बिल्कुल आसानी से लगने लगेगा। तो अभी हमने कुछ क्रियाएं बताई जिससे आप
नियमित करते हो तो आपका पद्मासन लगाने में बड़ी आसानी होती है। अब जिनका पद्मासन लग सकता है पद्मासन लगा लीजिए, और जिनका नहीं लग रहा हो तो एक पैर चढ़ाते हुए अर्ध पद्मासन लगा के बैठिए, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। अब हम पद्मासन में बैठकर कुछ क्रियाएं करेंगे। पद्मासन में बैठे बैठे पहले दोनों हथेलियों को जंघाओं के पास रखते हुए इस तरह से रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना है, उत्थित पद्मासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, उत्थित पद्मासन। पूरे शरीर को हम उठा लेते हैं, हमारा पूरा वजन हाथों पर रहता है, हमारी बाहें मजबूत होती है, कंधे मजबूत होते हैं, हाथों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसमें देखिए पद्मासन भी लगा हुआ है और हाथों की क्रियाएं भी हो रही है। अब इसी आसन में बैठे बैठे हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन बहुत बढ़िया प्रयोग है, नियमित करना चाहिए हमें। योग मुद्रासन में पद्मासन में बैठने के बाद पहले दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, बाएं हाथ से कलाई को पकड़ लीजिए, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है, ललाट को बिल्कुल नीचे तक लेकर आइए, बिल्कुल नीचे तक, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर छत की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। कहाँ प्रेशर आ रहा है, कहाँ खिंचाव आ रहा है, आपको खुद को महसूस होगा। पेट पे हमारे प्रेशर पड़ेंगे, कंधे पे जोर पड़ेगा, तो देखो देखिए इसमें फेफड़े पेट कंधे सारे हैं, हमारे सबके लिए फायदेमंद है। चार की गिनती के साथ एक राउंड और करें, एक, श्वास छोड़ते हुए, दो, श्वास भरते हुए, तीन, श्वास छोड़ते हुए, चार, श्वास भरते हुए। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए, चार की गिनती के साथ हम दो राउंड करेंगे, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स। अभी हाथ को पकड़े रखिए। अभी हमने नीचे झुकते समय ललाट को सामने की ओर लगाया था नीचे, अब हम राइट और लेफ्ट घुटने के सामने ललाट को लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकिए, घुटने के सामने बिल्कुल फर्श तक ललाट को ले आइए, दो में श्वास भरते हुए सीधे, तीन में लेफ्ट साइड बिल्कुल नीचे तक, चार में सीधे, एक, दो, तीन,
बिल्कुल नीचे तक ललाट को लेके आ रहे हैं। देखिए मेरा बाया पैर नीचे है, दाहिना पैर ऊपर है, तो मेरे को दाहिने साइड आसानी से हो रहा है, बाएं साइड थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। आप पैर बदल के कीजिए, दूसरी ओर भी आपका आसानी से होगा। पैर बदल लीजिए, इस बार मेरा बाया पैर ऊपर है, देखिए बाया साइड आसानी से, बिल्कुल आसानी से लगेगा। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स। जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी में मेरे में भी ट्विस्ट आता है, पैर पे पेट पे भी एक साइड हमारा प्रेशर पड़ता है, एक साइड खिंचाव आता है। जब हम राइट साइड झुकते हैं इधर खिंचाव आएगा, इधर प्रेशर पड़ेगा। जब लेफ्ट साइड झुकेंगे इधर प्रेशर और इस साइड खिंचाव, तो मांसपेशियों में खिंचाव और प्रेशर भी आता है, रीढ़ की हड्डी में भी ट्विस्ट आता है। और ज्यादा ट्विस्ट देना है अभी हमें, तो अभी हमने घुटने के सामने हमने लाट को लगाया था, घुटने के अंदर लगाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने के अंदर जितना नीचे आ सकते हैं आइए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, श्वास भरते हुए। कोशिश करना है घुटने के अंदर की साइड आपका ललाट लग जाए, जितना आसानी से झुक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना। एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स। वेट कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, साथ में हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसमें हमारे मेरुदंड में रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आता है, रीढ़ की हड्डी लचीली होगी, पेट भी कम होगा। नियमित अभ्यास करें, बिल्कुल आपका वजन भी कम होगा, इससे वजन भी कम होगा, पेट पे जमी हुई चर्बी कम होगी। रिलैक्स, योग मुद्रासन अभी हमने कई प्रकार से आगे झुकते हुए दाएं बाएं झुकते हुए कई प्रकार से किया। अब पद्मासन खोल लीजिए, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन पहले एक पैर को मोड़िए, फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए पीछे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हुई, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नेक्स्ट इसी आसन में बैठे बैठे दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियों को नाभि के नीचे लगाइए। पेट कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे तक आइए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मुट्ठियों का प्रेशर पेट के ऊपर पड़ रहा है, पेट के निचले भाग में मूत्राशय पर प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको इसमें यूरिनल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसमें भी फायदा होगा,
पेट पे जमी हुई चर्बी भी कम हो। अब दोनों मुट्ठियों को थोड़ा सा ऊपर लीजिए, नाभि के ऊपर, धीरे धीरे नजरे सामने रखिए, थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आएगा। थायराइड में खिंचाव, पेट पर प्रेशर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अब दोनों मुट्ठियों को थोड़ा सा नाभि से ऊपर लेंगे ताकि हमारे पैंक्रियास पे प्रेशर पड़े। पैंक्रियास पे प्रेशर पड़ेगा तो हमारे शुगर को कंट्रोल करेगा, इंसुलिन पैदा ज्यादा होगा, शुगर हमारा बिल्कुल अगर कम है तो लेवल में आ जाएगा, बड़ा हुआ है तो भी लेवल में आ जाएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, श्वास भरते हुए ऊपर। जो प्रयोग हम कर रहे हैं इसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन अब इसी क्रिया को हम दूसरे प्रकार से करेंगे, एक हथेली नीचे दूसरी हथेली ऊपर, नाभि से नीचे लगाइए दोनों हथेलियों को, तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। श्वास भरते हुए हथेलियों को जरा सी ऊपर ले लीजिए, नाभि के बिल्कुल ऊपर। अब हथेलियों को थोड़ा सा ऊपर और नाभि से थोड़ा ऊपर, मंडूकासन शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया आसन बताया गया है। जिनको शुगर या डायबिटीज की प्रॉब्लम है इस आसन को करें, पेट भी कम होगा आपका, मूत्राशय से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसे भी फायदा मिलेगा। तो अभी हमने मंडूकासन का अभ्यास किया, अब एक आसन हम करेंगे, इसमें हम बंदनासन में आएंगे। बंदनासन, बंदनासन में पीछे दोनों एड़ियां मिली हुई, एड़ियां मिली हुई, एड़ियों के ऊपर बैठे, जो हमने हाथों को पीछे पकड़ते हुए योग मुद्रा पद्मासन में की थी, इसमें हम इस आसन में करेंगे। इसमें क्या करना है, ललाट को नीचे लेके नहीं आना है, हम सिर के ऊपर के भाग जो है हमारा ये, इसको नीचे ठिकाना है, हिप्स को उठाते हुए हिप उठ जाएंगे। आप एक बार देखिए मेरे को, फिर आप साथ साथ कीजिए। श्वास भरते हुए बिल्कुल नीचे आएंगे, हिप को उठाते हुए आएंगे, हिप ऊपर हो गए आपका, अब दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। अभी आपको सबको करना है साथ साथ। इसमें इस क्रिया से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है, तो बच्चों को अगर हम ये प्रयोग करवाते हैं उनका मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, और मस्तिष्क को हमारे खून की ज्यादा जरूरत भी होती है, तो हमारे मस्तिष्क में ज्यादा खून आने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। मेरे साथ साथ सभी कीजिए, पूरा झुकना है नीचे, हिप्स को उठाते हुए, श्वास छोड़ते हुए, दोनों में हाथ ऊपर, तीन में हाथ नीचे, चार में सीधे। हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, एक राउंड और करेंगे, एक दो तीन चार, रिलैक्स रिलैक्स।
आराम से बैठिए वज्रासन में। तो कुछ बहुत आसान जो सभी कर सकते हैं, कुछ हमने किया है, कुछ आसन अभी हमने किए हैं, और हमारे पैरों के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए कुछ आसन हमने फेफड़ों के लिए भी लिए, कंधों के लिए भी लिए। तो इस तरह से इन आसनों का अभ्यास आप रेगुलर करते हो तो आपको पूरा शरीर आपका बिल्कुल लचीला रहेगा। समय हमारे पास 15 मिनट बचा हुआ है, आज हम श्वास की क्रियाएं भी हमें करनी है। तो अभी आप आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। सीधे बैठेंगे, श्वास की क्रिया, श्वास हमारे दो नथनों से चलता है, बायां और एक दाहिना, दोनों नथनों से श्वास चलता है। अभी आपका श्वास कौन से स्वर, कौन सा स्वर चल रहा है आप पहले चेक कीजिए। किसी का बायां चल रहा होगा, किसी का दाहिना चल रहा होगा। तो बायां स्वर जब चल रहा है हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है, दाहिना जब चल रहा है शरीर में उष्मा या गर्मी पैदा होती है। तो हम श्वास को जो स्वर चल रहा है उसे बदल भी सकते हैं। मेरा जैसे अभी बायां चल रहा है, तो मैं अगर इसको बंद कर दूं इस तरह से और दाहिने से लेना छोड़ना शुरू कर देता हूं, दाहिने से लेना, दाहिने से ही छोड़ दो। तो अभी मैंने दाहिने स्वर से लिया, दाहिने स्वर से छोड़ा, इसको कहते हैं हम सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम, दाहिने से लेना, दाहिने से छोड़ना। दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना है, वो भी सूर्य भेदी ही कहलाता है। दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। रिलैक्स। अभी हमने सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास किया, शरीर में गर्मी पैदा करने वाला प्राणायाम। अब इसका विपरीत उल्टा करना है, उल्टा करना है, बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। रिलैक्स। अब दाहिने को बंद करते हुए बाएं से ही लेना, बाएं से छोड़ना। केवल एक ही स्वर से हमारा श्वास आएगा जाएगा, दाहिना बिल्कुल बंद रहेगा।
चंद्रभेदी प्राणायाम, उसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। रिलैक्स। तो अभी हमने दाहिने से श्वास लिया, बाएं से छोड़ा, दाहिने से लिया, दाहिने से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, फिर बाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। तो सूर्य भेदी और चंद्र भेदी दोनों का हमने अभ्यास किया। अब हम दाएं से पहले बाएं से श्वास को खाली करेंगे, बाएं से भरेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम। श्वास को धीरे धीरे लंबा भरिए, लंबा छोड़िए। अब इसके साथ हमें कुंभक करना है, श्वास भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोकना है, श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकना है। अंत कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ पहले बाएं से श्वास भरेंगे, श्वास को अंदर रोक लीजिए, दाहिने से खाली कीजिए, बाहर निकालिए श्वास को, थोड़ी देर बाहर रोकिए, वापस दाहिने से भरिए, थोड़ी देर अंदर रोकिए, बाएं से निकाल दीजिए। एक राउंड हो गया, इसी तरह आप तीन से चार राउंड श्वास को अंदर बाहर रोकते हुए अभ्यास करेंगे। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम या समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, एक ही नाम प्रयोग है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। रिलैक्स। नाड़ी शोधन भी कहा जाता है इसे, नाड़ी शोधन। नेक्स्ट हम अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग करेंगे। अटेंटिव यानी प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा कैसे किया जाए। हमारे जो नॉर्मल श्वास चलते हैं एक मिनट में 15 से लेके 20-22 तक चलते हैं, रेगुलर
स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके श्वास 15 से 20 22 तक चलते हैं, तो श्वास अगर हमारा इससे छोटा होता है तो हम उसे लंबा कैसे करें। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग मैं बीच बीच में करवाते रहता हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। जब हम गुस्से में होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो हमारा श्वास छोटा हो जाता है, और जब हम बिल्कुल शांत रहते हैं हमारा श्वास लंबा होता है। तो जितना लंबा श्वास उतना ही ज्यादा आयुष्य, ऐसा भी कहा जाता है। तो हमारा श्वास लंबा रहे तो हम स्वस्थ रहेंगे। श्वास लंबा रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उतना ही हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा होगा, और जितना ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा श्वास लंबा होना चाहिए। लंबा श्वास के लिए हम अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग करते हैं। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग में क्या करना है, पहले मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 श्वास भरेंगे 5 तक, और दूसरी बार 5 तक श्वास को छोड़ेंगे। 5 सेकंड में श्वास भरना, 5 सेकंड में श्वास छोड़ना। तो एक श्वास होगा हमारा 10 सेकंड का, 10 सेकंड का श्वास होता है तो हमारे एक मिनट में हो जाएंगे 6 श्वास का प्रयास अभ्यास करेंगे। मैं काउंटिंग शुरू करूं, आप सीधे बैठिए, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए बैठिए, आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। पहले 5 में श्वास भरना है, 5 में छोड़ना है। गेट रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, relax। 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 में छोड़ा, सबको जम गया बिल्कुल आसानी से। तो अभी हमने 10 सेकंड में एक श्वास लिया, एक मिनट में हमारे 6 श्वास हो गए। अब हमें इससे और आगे चलना है। अभी क्या करना है, 4 सेकंड में श्वास भरना है और छोड़ने में 8 सेकंड लगाना है। जितना समय श्वास भरने में, दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाना है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, डबल समय लगाते हैं। 12 सेकंड का एक श्वास होगा और हमारे श्वास हो जाएंगे इसमें एक मिनट में 5। पिछली बार हमने 6 लिए, अब 6 से हमें 5 पर आना है। गेट रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, relax। अभी हमने एक मिनट में 5 श्वास लिए, 12 सेकंड का एक श्वास। इसी क्रिया को आप और भी लंबा कर सकते हो, 5 का लेना 10 में छोड़ना, 5 में 5 सेकंड में भरना 10 सेकंड में छोड़ोगे तो क्या होगा, 4 श्वास हो जाएंगे।
एक मिनट में चार हो जाएंगे। आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे चार श्वास तक, और कुंभक के साथ हम अगर करते हैं, 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड श्वास को रोका, 5 सेकंड श्वास छोड़ा, 5 सेकंड बाहर रोका, तो एक मिनट में हमारे 3 श्वास होते हैं, 20 सेकंड का एक श्वास हो जाता है। तो इसी प्रकार समय हमारा संपन्न हो रहा है, समय ज्यादा नहीं बचा है, तो हम 20 सेकंड में जो एक श्वास लेते हैं उसका प्रयोग हम 2 ही श्वास का करेंगे अभी। पहले 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 सेकंड अंदर रोक लेंगे, 5 सेकंड श्वास को बाहर निकालने में लगाएंगे, 5 सेकंड श्वास को बाहर रोकेंगे। तो 20 सेकंड का एक श्वास, 2 श्वास का अभ्यास कीजिए सीधे बैठते हुए। गेट रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 20 सेकंड का एक श्वास हुआ, एक मिनट में इस तरह से हमारे 3 श्वास होते हैं। तो हम देखिए 6, 6 से 5, 5 से 3 पर आ गए। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग के द्वारा हम श्वास को लंबा कर सकते हैं। तो समय संपन्न हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा एक प्रयोग मैं आपको और करवा दूं, श्वास की गिनती का प्रयोग। एक मिनट में हमारे नॉर्मल श्वास कितने चलते हैं आप पहले गिनती करेंगे। श्वास लेना छोड़ना एक श्वास होगा, नॉर्मल जो श्वास चल रहा है आपका, प्रयास पूर्वक ना लंबा लेना है ना लंबा छोड़ना है, जो श्वास चल रहा है आपका उसकी काउंटिंग करेंगे। तो मैं स्टार्ट बोलूं आप गिनती शुरू करें, जब स्टॉप बोलू रुक जाए। स्टार्ट, 1 मिनट। अभी हमारा 1 मिनट हुआ, 1 मिनट में आपके श्वास कितने आए आप नोट डाउन करिए, लिखिए। बता सकते हो तो आप बता सकते हो, तो मैं आपके सबके अनम्यूट ऑप्शन भी दे रहा हूं, अभी आप बता सकते हो। अभी हमने नॉर्मल श्वास की काउंटिंग की, जो हमारा नॉर्मल चल रहा है श्वास। अब हमें क्या करना है, प्रयास पूर्वक श्वास को मंद गति से लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। जितना ज्यादा समय आप श्वास लेने में और छोड़ने में लगा सकते हैं लगाना है, रोकना नहीं है, लंबा लेना है और वापस धीरे धीरे लंबा छोड़ना है। 1 मिनट में आप कम से कम कितने श्वास ले सकते हो आपको अभ्यास करना है। मैं बोलूंगा स्टार्ट, आप शुरू करेंगे, स्टॉप कहूंगा तो रुक जाएंगे। रेडी स्टार्ट,
स्टॉप। पिछली बार आपने नॉर्मल श्वास की काउंटिंग की थी, नोट डाउन किए थे, अब आपके लॉन्ग ब्रीदिंग कितने आए उसको भी नोट डाउन कीजिए। तो पहले कितने आए और अभी निश्चित है उससे आधे आए होंगे, बहुत कम आए होंगे। तो इस तरह से हम अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग और श्वास की गिनती का जो अभ्यास करते हैं, इससे हमारे श्वास लंबा होता है। श्वास लंबा करने की टेक्निक है, इसको आप घर पे सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर कर सकते हो, कभी भी खाली पीली बैठे हो सुबह या शाम। तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग। तो अभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, दो मिनट हम लेंगे, ज्यादा नहीं ले पाएंगे, समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। अनिता जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, श्वास का जो प्रयोग अभी आपने किया नॉर्मल, हाँ। श्वास हमारे 15 से 20 22 तक चलते हैं, तो 15 से 20 22 अगर आपके आए होंगे, 20 आए थे मेरे, 20 आए थे, बाद में लॉन्ग ब्रीदिंग में कितने आए, 8 आए थे, 8। देखिए 20 और प्रयास करते ही हमारे 20 से हम 8 पे आ गए। तो इस तरह से जो टेक्निक मैंने बताई पहले अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, उसका अभ्यास नियमित करते हो तो हमारा नॉर्मल श्वास जो है वो 20 है, वो भी आपको 10-12 तक आ सकता है, 10-12 तक आ सकता है रेगुलर अभ्यास करोगे। और जिनका रेगुलर श्वास नियमित, जो रेगुलर श्वास हमारा चलता है वो अगर 10-12 है तो बहुत बढ़िया है, हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो 20 से आप 8 पे आ गए। मनोज जी और सुजाता जी शायद सफर कर रही है, बॉम्बे जा रही है, कार में चलते चलते भी क्लास अटेंड कर रही है, तो देखिए इसको बोलते हैं हम जागरूकता। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सुजाता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर सर, योगा तो नहीं कर पाए, क्लास अटेंड करना है, इसका मजा ही अलग होता। सही सर, योगा तो नहीं कर पाए लेकिन अपना इसका तो किया हम लोगों ने, श्वास का। पहले जो नॉर्मल था उसमें ज्यादा आए, लेकिन जो प्रयास पूर्वक किया उसमें तो 6 ही आ गए। 6 आ गए जी। सत्यनारायण जी, भाई साहब प्रणाम, सभी भाई बहनों को सुप्रभातम। बड़ा अच्छा प्रयोग रहा, मैं तो शुरू से ही भाई साहब के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं और बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटीज आज हमने की है, लगभग बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा प्रयोग रहा। आसान आसान जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी मैंने कराई, ज्यादा कठिन आसन कुछ भी नहीं लिया हमने, बिल्कुल आसानी से किए जाने वाले प्रयोग जो हमेशा हम कर सकते हैं। और इन क्रियाओं को अगर रेगुलर आप 1 घंटा कर लेते हो तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। इसमें हमने वार्म अप एक्सरसाइज भी ली, कुछ क्रियाएं ली, जिनका पद्मासन नहीं लग रहा है पद्मासन कैसे लगे, कुछ आसन भी लिए और श्वास के प्रयोग भी लिए। तो 1 घंटे का ये क्रम हमारा, अगर इसी क्रम में आप रोज करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सर आप इस उम्र में भी पद्मासन में काफी देर बैठते हैं? पद्मासन तो लग जाता है, आसानी से बैठता हूँ मैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। सत्यनारायण जी, मैंने आपको बीच में टोक दिया, बोलते हैं आप बोल गए थे, कुछ कंटिन्यू कीजिए। नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत मुझे बड़ा आनंद आया मुझे, मतलब रोज दिनों से भी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये जो शारीरिक एक्टिविटीज होती है वो थोड़ी सी ज्यादा टच करती है मुझे, तो बड़ा अच्छा लगा करते समय। और आपने जैसा कहा कि निश्चित कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन अपने आप में सारी जो क्रियाएं थी वो यूनिक थी। और पेट पर जब हम प्रेशर ले रहे थे तो कभी कभी हम सोचते हैं कि यार आई एम वेरी फिट, पर जब धीरे धीरे हम जाते हैं तो पेट पर प्रेशर बनता है, पीठ पर बनता है। और पीछे से कभी कभी मेरा प्रश्न भी था कि जैसे हम नीचे झुकते समय यदि हमारे जो नितंब है अगर वो एड़ियों से छूट जाते हैं, कभी कभी ऊपर आ जाते हैं, तो उसमें कोई समस्या तो नहीं है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप कोशिश करें जितना नीचे आ सकते हैं, पीछे से अगर नितंब उठ भी जाते हैं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उठ सकते हैं। मैंने तो एक प्रयोग बताया जिसमें हम नितंब उठा के करते हैं, बदनासन में आके नितंब को उठाते हुए, उसमें हम ज्यादा झुकते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर बहुत ज्यादा होता है, तो ये प्रयोग भी हम बीच बीच में करते हैं, तो बहुत बढ़िया। संगीता जी कुछ कहना हो आपको तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
सर अपन सूर्य वेदी और चंद्र वेदी करते ना, तो उसमें स्लोली करना है कि स्पीड में करना है? सूर्य वेदी देखिए दो तरह से करते हैं हम, दाहिने से लेते हुए बाएं से छोड़ना, राइट से लेते हुए लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, और राइट से लेना राइट से छोड़ना, ये भी सूर्य वेदी है। स्टार्टिंग हम राइट से करते हुए लेफ्ट से छोड़ते हैं उसको सूर्य वेदी कहते हैं, और स्टार्टिंग चंद्र वेदी लेफ्ट से लेते हुए राइट से छोड़ते हैं और लेफ्ट से लेते हुए लेफ्ट से छोड़ते हैं, तो उसको हम चंद्र वेदी कहते हैं। इसे स्लोली करना है सर, श्वास मंद लंबा, श्वास लंबा लेना है लंबा छोड़ना है। हर प्रक्रिया में श्वास को जितना आप लंबा रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आप सर्दी का मौसम है तो सूर्य वेदी ज्यादा कीजिए, गर्मी का मौसम है तो चंद्र वेदी ज्यादा कीजिए। तो समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन सब भावनाओं के साथ। ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।